दोस्तों बी सक्सेस प्लस के यूट्यूब चैनल में मैं वीरेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों मैथमेटिक्स की सीरीज में आज हम एक नए टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं, आयु संबंध एज रिलेशन से काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, यह पार्ट वन है और आज हम दो टाइप के प्रश्नों को देखेंगे, जैसे कि थंबनेल पर आपको दिख रहे हैं, योग व अंतर पर आधारित और योग अंतर पर आधारित प्रश्न। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, बहुत ही आसान टॉपिक है ये। तो चलिए टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको पीडीएफ फाइल डाउनलोड करनी हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम के चैनल के लिंक को दे दिया गया है, आप वहां से हमारे टेलीग्राम के चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और टॉपिक से रिलेटेड पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आयु संबंध एज रिलेशन। तो दोस्तों इसमें कुछ बेसिक पॉइंट्स बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना ही कोई इनके फॉर्मूला होता है इस टॉपिक में। ठीक है, तो इसमें बस आपको थोड़ा सा बस बेसिक नॉलेज तो वैसे भी आपको होगी कि आयु संबंध का मतलब क्या होता है, एज से रिलेशन। जैसे कि आज मैं इतना मैं सपोज करूँ कि मैं इतने साल का हूँ, आप इतने साल के हो, आप इतने बड़े हो मुझसे, आप कोई भी है अदरवाइज, वो इतना छोटा है, या एज का गैप दिया है, कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ज़्यादा परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। तो चलिए डायरेक्ट हम प्रश्नों के प्रकार पर पहुँचते हैं और पहला टाइप देखते हैं। तो पहला टाइप है उम्रों के योग व अंतर पर आधारित प्रश्न। तो सबसे पहले हम देखेंगे उम्रों के योग व अंतर पर आधारित प्रश्न, और यहाँ से दोस्तों काफ़ी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखना। ठीक है, तो चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न है, ए और बी की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है, यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा हो तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों करते क्या हैं कि पहले तो यहाँ पर ए और बी की वर्तमान आयु का योग दिया है, तो हम यहाँ पर पहला इक्वेशन हमने लिखा, ए और बी की दोनों का योग दिया है, तो प्लस ए प्लस बी बराबर ये 22 हो गया। ठीक है, अब ये जो दूसरा जो पॉइंट है इसमें कि ए बी से 4 वर्ष बड़ा हो, देखिए बड़ा कब होगा, बड़े को हम रखते हैं प्लस में और छोटे को रखते हैं माइनस में, तो ए बड़ा है ना, ए बी से 4 वर्ष बड़ा हो, ए बड़ा है तो इसको प्लस में, बी से बड़ा है तो यहाँ लगाएंगे माइनस, कितने वर्ष का बड़ा है 4, मतलब ए और बी की आयु में 4 वर्ष का अंतर है, कहने का मतलब ये है इस पॉइंट का। ठीक है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को यहाँ पर दिक्कत होती है, ये जो है ना ए बी से 4 वर्ष बड़ा हो। ठीक है, तो चलिए तो दूसरी क्वेश्चन भी बन गई हमारी कि ए माइनस बी बराबर 4, अब यहाँ देखिए ए बड़ा है बी से, ठीक है 4 वर्ष, तो चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं, तो बी से बी कट गया, ए और ए 2a, 22 और 4 26, ए बराबर आ गया 13। यहाँ पूछा क्या था, ए की वर्तमान आयु पूछी थी, ए की पूछी हो बी की पूछी हो या बाद में कुछ भी पूछा हो तो हम यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। अब ए बराबर हमारा जैसे 13 आ गया, तो ए की वैल्यू हम दोनों इक्वेशन में से किसी में भी रख दें तो बी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अगर पूछी जाती बी की तो बी की निकाल लेते, ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों दूसरे प्रश्न की ओर। एक्स और वाई मिलकर इस समय 28 वर्ष के हैं, मतलब कहने का मतलब यह है एक्स और वाई की उम्रों का योग इस समय 28 वर्ष है, यदि वाई एक्स से 6 वर्ष छोटा है, वाई एक्स से 6 वर्ष छोटा है, तो मतलब एक्स से छोटा है ना 6 वर्ष, तो एक्स बड़ा है वाई से 6 वर्ष, घुमा फिरा के दे दिया जाता है, क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए ज़्यादातर गलती करते हैं यहाँ पर लोग, इसलिए दिया जाता है। तो ठीक है भाई और बहनों अच्छे से देखना, ठीक है समझने की कोशिश करना, यही पॉइंट है दूसरा वाला जहाँ से गलत होता है ज़्यादातर ये प्रश्न। तो वाई एक्स से 6 वर्ष छोटा है, तो यानी कहने का मतलब ये हो गया एक्स वाई से 6 वर्ष बड़ा है, तो वाई की आयु कितनी है। तो चलिए पहले तो हम अपना पहला इक्वेशन लिखते हैं, तो पहला इक्वेशन तो हमारा सिंपल है कि एक्स और वाई इस समय 28 वर्ष के हैं, तो मतलब उन दोनों का योग कितना है वर्तमान में 28 वर्ष है, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू हो गया कितना 28। ठीक है, अब ये कह रहा है कि वाई एक्स से 6 वर्ष छोटा है, तो वाई छोटा है तो छोटे को लिखेंगे माइनस में, एक्स से छोटा है तो एक्स को लिखेंगे पॉजिटिव प्लस में, ठीक है कितना 6 वर्ष, इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, तो अब आपको शायद कोई दिक्कत नहीं होगी आगे, ठीक है, तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू आ गया ये 6। ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं, तो वाई से वाई कट गया, एक्स और एक्स 2x, 28 और 6 34 हो गया, एक्स बराबर आ गया यहाँ से 17, पूछा क्या है वाई की आयु पूछी है, तो चलिए
तो यहाँ से हमने फ्रॉम फर्स्ट मतलब पहली क्वेश्चन में हमने एक्स की वैल्यू रखी, पहली में रख लो या दूसरी में, आंसर एक ही आएगा, ठीक है। तो 70 जब हमने यहाँ पर रखा तो एक्स गया 70 आ गया, तो 70 प्लस वाई बराबर 28, वाई बराबर आ गया 11, 28 इधर ले आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 17, तो 28 में 70 गए तो 11, तो 11 बस आ गया राइट आंसर, ठीक है दोस्तों, क्लियर है ना, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब तीसरा प्रश्न है कि सीता और गीता की वर्तमान आयु में 5 वर्ष का अंतर है, यदि गीता की आयु सीता की आयु की 3/4 हो तो सीता की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए थोड़ा लेवल चेंज है, ठीक है, अब यहाँ अंतर बेस्ड है ये प्रश्न, तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम पॉइंट्स यहाँ पर कौन सा लेते हैं, जो बट्टे में जो आयु दी जाती है कि इतनी तिहाई है, 2/3 है, 1/3 है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या कह रहा है दूसरे पॉइंट में कि गीता की आयु सीता की आयु की, सीता की आयु की, देखिए जहाँ पर का की के साथ में आता है, ठीक है, उसी के साथ में इसका मल्टीप्लाई होता है। तो सीता की आयु की 3/4 हो, जो मीता की आयु है सीता की आयु की 3/4 हो, तो चलिए तो गीता की आयु बराबर सीता की आयु की 3/4, ठीक है। यहाँ भी ज़्यादातर गलत करते हैं, तो ध्यान से देखना, जो भी गलती करने वाले पॉइंट्स हैं मैं वहाँ पर अधिक जोर देता हूँ इसलिए, ठीक है। तो गीता की आयु कितनी है, सीता की आयु की 3/4 है। तो अब यहाँ से हम रेशियो निकाल लेंगे, तो देखिए गीता की जगह हमने जी लिख लिया है और सीता की जगह एस, ठीक है, 3/4। तो गीता और सीता का रेशियो आ गया 3:4 का। अब स्टार्टिंग में क्या कहा गया था कि सीता और गीता की वर्तमान आयु में 5 वर्ष का अंतर है, 5 वर्ष का क्या है, अंतर है। और यह अंतर देखेंगे तो कितना है, देखिए यहाँ पर एक बात ये नहीं कही गई है कि कौन बड़ी है कौन छोटी है, केवल ये कहा गया है कि दोनों की आयु में 5 वर्ष का अंतर है, केवल अंतर बताया गया है। तो यहाँ पर भी हम अंतर देखेंगे, ये नहीं देखेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो यह अंतर हो गया एक का, वहाँ प्रश्न में दिया है 5 वर्ष का अंतर, ठीक है। तो एक बराबर हो गया यहाँ से 5, तो जब एक बराबर ही तो निकाला जाता है यहाँ से, तो एक बराबर 5 हो गया, तो दोनों का निकाल लेंगे हम। तो गीता की आयु जैसे हमने निकाली, तो गीता की आयु का यहाँ पर कितना है, 3 भाग है, तो 5 का 3 में मल्टीप्लाई किया तो 15, और ऐसे ही सीता की निकालेंगे तो 4 में 5 का मल्टीप्लाई किया तो 20, ठीक है, क्लियर है दोस्तों। तो दोनों की आयु हमने यहाँ पर निकाल ली है, ठीक है, जिसकी पूछी जाए उसका आंसर हम आसानी से अब यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न है, सोनी और मोनी की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है, यदि मोनी की आयु सोनी की 2/3 हो, सोनी की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों मैंने बताया है कि जहाँ पर ये 2/3, 1/3, जहाँ पर भी इस तरह की बात की जाए कि इतनी उसकी आयु, इसकी आयु की इतनी तिहाई है, इतने इतनी है, ठीक है, तो वहाँ पर हम सबसे पहले इसी पॉइंट को उठाते हैं। तो यहाँ मोनी की जगह हमने एम लिखा, सोनी की जगह एस, तो ये कह रहा मोनी की आयु सोनी की आयु की 2/3 है, जो बाद में दिया जाता है, जिसके साथ में ये बट्टे वाली जो संख्या दी जाती है उसको हम उसके मल्टीप्लाई में लिखते हैं, ठीक है। तो सोनी की आयु की 2/3 है ना, तो सोनी की आयु की 2/3, तो मोनी, और यहाँ एस हम नीचे ले आए सोनी 2/3, तो यहाँ से रेशियो निकल कर आ गया एम और एस का मोनी और सोनी का 2:3। अब ये स्टार्टिंग में कहा गया था कि दोनों की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है, अब यहाँ पर अंतर 7 वर्ष का है, और रेशियो में हम देखेंगे तो कितने वर्ष का अंतर है, तो एक वर्ष का अंतर है यहाँ पर भी, तो 1 बराबर हो गया 7, तो दोनों की हम निकाल देंगे, तो 7 का 2 में मल्टीप्लाई, 7 का 3 में मल्टीप्लाई। तो यहाँ देखिए मोनी की जब निकालेंगे तो 2 भाग है रेशियो में, तो 2 का 7 में किया तो 14, और सोनी की निकालेंगे तो 3 का 7 में किया तो 21, तो दोनों की आयु हमने यहाँ पर निकाल ली है। जिसकी आयु पूछी है, सोनी की पूछी है, तो सोनी की आयु होगी 21 वर्ष, ये हो गया हमारा यहाँ से राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, हमारे चैनल पर जो भी व्यक्ति नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि समय से आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और इससे पहले दोस्तों मैथमेटिक्स की सीरीज में हम बहुत सारे टॉपिक्स को क्लियर कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक दे दी गई है, आप वहाँ से एक बार विजिट जरूर करें। और सभी जितने भी टॉपिक्स हैं सभी को हम बेसिक से कर रहे हैं और सभी टाइप के प्रश्नों को हम देखते हैं, ठीक है, तो एक भी टाइप आपका छूटेगा नहीं। तो अगर आपने कभी मैथ नहीं पढ़ा है, मैथ आपकी समझ में नहीं आता है, तो प्लीज़ एक बार हमारे चैनल पर आएँ और मैथ की सीरीज के साथ आप जुड़ें,
यकीनन आप मैथ सीख जाएंगे, ठीक है दोस्तों। और प्लीज़ दोस्तों, अगर आपके पास एक मिनट का भी समय है हमारे लिए, तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स में, ठीक है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दूसरा टाइप है अब योग अंतर पर आधारित प्रश्न। तो अब योग अंतर पर आधारित प्रश्न देखते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, राम और श्याम की वर्तमान आयु का योग 65 वर्ष है। 10 वर्ष पहले दोनों की आयु में 5 वर्ष का अंतर था। श्याम की आयु ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं, तो राम और श्याम की वर्तमान आयु का योग कितना है? 65 वर्ष। तो योग दिया है, तो देखिए 65 वर्ष। 10 वर्ष पहले आयु में अंतर 5 वर्ष का था। अच्छा एक बात बताइए, समझने की कोशिश करना। दो व्यक्तियों में जैसे सपोज करिए मैं और आप, ठीक है, तो दोनों में हम में 5 वर्ष का अंतर है। क्या 10 साल बाद हम देखेंगे तो अंतर चेंज हो जाएगा? अंतर तो 5 का ही रहेगा। या 10 वर्ष पहले की बात करें तब भी 5 ही रहेगा अंतर। बताइए, जितने आप बढ़ रहे हैं उतना मैं भी बढ़ रहा हूँ, है ना। तो दो व्यक्तियों के बीच में अंतर हमेशा समान रहता है। तो इस पॉइंट को अगर आप याद रखेंगे तो इस प्रश्न में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए, तो अंतर हमेशा समान रहेगा तो हम वर्तमान में ही बातें करेंगे, ठीक है। तो देखिए R प्लस एस मतलब राम और श्याम की वर्तमान आयु 65 वर्ष है और दोनों में अंतर 5 वर्ष का है। अंतर चाहे वर्तमान में ले लो, 10 वर्ष पहले ले लो या 10 वर्ष बाद में ले लो, अंतर हमेशा समान रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एस से एस हमने जब काट दी तो R और R 2R 65 और 5 70 हो गए। R बराबर हो गया यहाँ से 35, मतलब राम की आयु आ गई 35। अब पूछी क्या है? श्याम की आयु। चलिए श्याम की आयु निकालते हैं। पहले में फ्रॉम फर्स्ट, तो पहले में हमने इसको रख दिया, तो 35 प्लस एस बराबर 65, तो एस बराबर आ गया 65 में से 35 को माइनस किया तो 30, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पर हमने एक नोट पॉइंट भी दिया है कि दो व्यक्तियों की आयु में सदैव समान अंतर रहता है। इस पॉइंट को अगर आप याद रखेंगे तो इस टाइप के प्रश्न को करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। तो क्लियर है ना, अच्छे से समझ में आ रहा है? कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताएं, और वीडियो पे लाइक तो बनता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। बाद में तो आप करेंगे नहीं, तो प्लीज़ अभी कर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, दो वर्ष पूर्व दो बच्चों की आयु का योग 18 वर्ष था, जबकि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में अंतर 2 वर्ष हो जाएगा। बड़े बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए। अब यहाँ बड़े छोटे की बात की गई है, अब तो बड़ा छोटा तो मानना पड़ेगा। तो देखिए बड़ा हमने मान लिया x, छोटा मान लिया y, तो चलिए मान लेते हैं। तो अब इसमें यह कहा गया है कि दो वर्ष पूर्व दो बच्चों की आयु का योग 18 वर्ष था। दो वर्ष पूर्व था योग। देखिए अंतर हमेशा समान रहता है, योग समान नहीं रहेगा, ये भी गलत फहमी मत पाल लेना, ठीक है। कि मैंने बताया था, आप ये सोचे कि सर ने बताया था कि अंतर हमेशा समान रहता है तो योग भी समान रहेगा। योग कैसे समान रहेगा? आज हम दोनों में मान लीजिए 60 का योग है, तो आगे मैं भी बढ़ूंगा, आप भी बढ़ोगे, 5-5 साल बाद बात करेंगे तो 10 नहीं बढ़ जाएंगे हम, बताइए। तो योग में नहीं, ऐसा नहीं होता है, अंतर हमेशा समान रहता है, ठीक है। चलिए तो देखेंगे दो वर्ष पूर्व, तो देखिए ये एक्स की पावर ये माइनस टू लिखने, और ये वाई की पावर माइनस टू जो लिखा है ना, ये क्या लिखा है पता है? ये माइनस टू लिखा है तो मतलब दो वर्ष पूर्व, ठीक है। वाई बराबर माइनस टू लिखा है तो दो वर्ष पूर्व, अगर दो वर्ष बाद की बात होते तो प्लस टू लिखते, प्लस टू लिखते। वर्तमान में हम लिखते हैं जीरो, एक्स की पावर जीरो, पावर नहीं है मतलब ये डिनोट करते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो गलती मत करना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो माइनस टू मतलब दो वर्ष पूर्व दोनों का योग कितना था? 18। अब ये जीरो जीरो हमने जब यहाँ पर किया तो जीरो का मतलब होता है वर्तमान, वर्तमान में ना आगे ना पीछे। तो दो वर्ष ये बढ़ा, दो वर्ष ये बढ़ा, तो 4 साल बढ़ गए या ना बढ़ गए बताइए? दो वर्ष पहले मैं और आप, ठीक है, दो वर्ष पहले मुझ में और आप में दोनों में 18 का योग था, ठीक है। और दो वर्ष बाद हमने देखा तो दो वर्ष आप बढ़े तो दो वर्ष मैं भी बढ़ा, तो दो दो साल बढ़ गए, तो अब कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। तो x की पावर पावर नहीं है सॉरी, तो ये यहाँ देखिए वर्तमान में x और y का योग कितना हो गया? 18 प्लस 4 तो 22। तो अब यहाँ से हम ये जीरो नहीं लिखेंगे, x प्लस y बराबर हो गया 22, तो वर्तमान में हम आ चुके हैं, ठीक है। अंतर हमेशा समान रहता है, अंतर हमेशा समान रहता है। तो यहाँ देखिए 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में 2 वर्ष का अंतर हो जाएगा,
तो अंतर हमेशा समान रहेगा। तो देखिए x माइनस टू इजिकल टू लिख दिया हमने 2, अंतर तो 2 है। तो अब सॉल्व करते हैं, तो 22 से 22 कट गया यहाँ पर, x और x 2x, 22 और 2 24, x बराबर आ गया 12। तो पूछा क्या था कि बड़े बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए, तो बड़ा तो हमने x ही माना था, तो x माना था तो आयु आ गई 12, कितने आ गई 12। ठीक है, तो क्लियर है ना दोस्तों, बताइए। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कुछ बचे हुए टाइप्स को। तो इसी तरीके से जुड़े रहिए दोस्तों हमारे साथ, और प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। ठीक है दोस्तों, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप प्लीज़ एक बार विजिट ज़रूर करें, बाकी के जो पिछले टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं तो उनको एक बार अवश्य देख लें। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको बता दूं हमारे चैनल पर दोस्तों हिंदी ग्रामर को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है, और पर्यावरण की सीरीज चल रही है फुल डिटेल में, प्रत्येक टॉपिक को वहाँ पर हम कंप्लीट कर रहे हैं, तो प्लीज़ एक बार विजिट ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।